अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ओके शुक्र अल्लाह ताला का। तो कितनी दौड़ लगाई आपने? छोटी सी दौड़ लगाई है। और कोई नंबर नंबर भी आया? यहाँ अभी कोई नंबर नहीं आया। हौली दौड़े सो? हौली दौड़े सो। क्यों? बस मैं रेस कोर्स नौजवान है अभी, कुछ भी नहीं उम्र। हालत उम्र तो अच्छी बली माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ने। उम्र का नहीं मसला, वैसे आज स्लो दौड़े ने। ठीक है, क्या पैगाम योम पाकिस्तान के हवाले से देंगे? ना, हम चाहते हैं अभी अमन चाहते हैं। अगर अमन नहीं करेंगे तो हम दफा करेंगे अपना पाकिस्तान। आज दुश्मनाने पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई मैली नज़र से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और इंडिया को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम अमन पसंद लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं और हमें अमन से रहने दें। और अगर हमारे ऊपर कोई मैली नज़र देखेगा तो हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे और उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। हर ग्रुप के लोग, हर एज कैटर के लोग यहाँ मौजूद हैं। सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है सर? आपने भी दौड़ लगाई? सर दौड़ पूरी मैराथन दौड़ में हिस्सा लेके आ रहे हैं सर। माशाल्लाह। कितने नंबर में आए आप? सर पोजीशन नहीं है लेकिन दौड़ में शामिल हुए हम। अच्छा, फुल दौड़े? देखिए सर, ये जम के दौड़े। देखिए सर, ये देखना चाहिए कि हमने दौड़ किस लिए लगाई, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, कि हम पूरा मन लोग हैं। हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पूरा मन मुल्क है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। बहुत हमारा मुल्क दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है और ये मैसेज है हमारी इस मैराथन रेस का, यही मकसद था। यही सलाम अलैकुम। आप नहीं दौड़े? मैं बहुत दौड़ा हूँ, मज़ा आया, बिल्कुल दौड़ के आया हूँ। किसने कहा आप दौड़े? काफ़ी दौड़ा है। बहुत बिल्कुल ठीक लगा आपको? ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है दौड़ना। मैं कहता हूँ 2-3 घंटे दौड़ना चाहिए। आप मुझे वीक लग रहे हैं, खाते पीते कुछ नहीं? ठीक नहीं, माशाल्लाह लग रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक, जबरदस्त। पाकिस्तान पे आप सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। मैं भी दौड़ूंगी, हेल्थ वाली हूँ, मैं भी दौड़ूंगी। बोलूंगा जिंदाबाद लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से यार, जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पूरा मन मुल्क है, पाकिस्तान पूरा मन मुल्क है। ये दुनिया को हम बताना चाहते हैं, सबसे अच्छा मुल्क है, सबसे अच्छा मुल्क है पाकिस्तान। तो मिली लगम आता है, कोई कुछ गा के सुनाना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान? क्या सुनाए? नारा लगाएंगे। वह नारा तो सारे लगा रहे हैं यार, कोई अच्छा सा सुनाए, गुनगुनाए। क्या सुनाए आपको? पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान देसी जमी और आसमां, इनके सिवा जाना कहां। बढ़ती रहे ये रोशनी, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे, पाकिस्तान जीवे जीवे, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फजाइया जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, पूरी मुस्लिम जिंदाबाद, पूरी मुस्लिम जिंदाबाद, पूरी मुस्लिम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बेटा। आप भागे, दौड़ लगाई? जी नहीं, दौड़ लगाई वाली नहीं लगाई जा रही? नहीं लगाई। कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी 65 साल है जी। आपकी 65 साल है जी? 65 साल। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आज आप क्या यादें शेयर करेंगे हमारे साथ हमें पाकिस्तान के हवाले से? बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का करम है। बहुत जात साथ है इस मुसलमानों वास्ते, बहुत इस दा कलमे दा जारी जा रही है। बहुत शुक्र मालिक दा, करम मालिक दा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र। तो आप लोहरियों को साफ सुथरा माहौल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं? जी। योम पाकिस्तान पे क्या पैगाम है आप? जिंदाबाद है योम पाकिस्तान। आज़ादी के बहुत अच्छे दिन हैं, अच्छी बात है। हमारे अफिसर हमारे साथ हैं, हमारी रहनमई कर रहे हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत।
ये वो कबीला है हमारा जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड कबीला, जो आज भी आपको साफ सुथरा एनवायरनमेंट यहाँ मुहैया करने की भरपूर कोशिश करता है। नारा लगाएं जी साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान पर ये आप देख रहे हैं कि एथलीट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अमन वॉक में हिस्सा लिया और दौड़े ये, और रन फॉर पीस इसका स्लोगन था। क्या हाल है जी आपके? सर अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी दौड़े या बाकी दोस्त ही दौड़ रहे? मेरा जो फ्रेंड है वो दौड़ा है इस रेस में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अदील। तो अदील कितना दौड़े हैं आप? मैंने फुल रेस लगाई 10 किलोमीटर। कितने मिनट में किया? मिनट तो नहीं मैंने नोट किया, लेकिन मैंने फुल रेस लगाई है, दोनों पर्चियाँ मेरे पास हैं। कितने नंबर पे आए आप? नंबर तो नहीं है लेकिन मैंने रेस फुल लगाई है। अच्छा, यौम पाकिस्तान पे क्या पैगाम आप देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें ऐसी गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान जनरेशन है वो नशे से पाक होकर गली कूचों से निकलकर ग्राउंड में आए और अपनी जो नौजवानी का जो आलम है उसको अपनी स्पोर्ट्स में जो है वो गेम में सर्व करें, ताकि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क बन जाए। ऐसा मुल्क हम चाहते हैं जो हमारे आली जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इसको मदीने की रियासत बनाऊंगा, हम भी इसे चाहते हैं कि हम भी इसे मिलकर मदीने की रियासत ही बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप बताइए आपने दौड़ने लगाई? लगाई। अस्सलाम वालेकुम। कितना दौड़े? वालेकुम सलाम भाई जान, मैं 10 किलोमीटर। और कोई नंबर नंबर भी आया होगा? किस पोजीशन पे आए? मैं 6 पोजीशन ली है। वेरी गुड, 6 पोजीशन पे आए जी। तो क्या यौम पाकिस्तान पे पैगाम आप देंगे? पाकिस्तान का हमारा ये, हमें खुशी हो रही है, हम भागे हैं, हमारा पाकिस्तान खुश हो, हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारा माँ बाप खुश हो, यही हमारे लिए हम और फिटनेस में हो, हमें खुशी हुई। हमारे इधर 50 साल के 70 साल के बूढ़े भी भागे, हमें खुशी हो रही, उनकी माशाल्लाह जवानी है, बहुत बात अच्छी, वो भी भागे हमारे साथ। सारे मिलके जब भागे हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है। हाँ, और फिर सबसे बढ़कर अगर मैराथन होंगी तो नशे के आदि अफराद बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं, इम्पैक्ट क्रिएट होगा, लोग सेहतमंद एक्टिविटी भागने की तरफ, एथलीट की तरफ आएंगे, तो बचत हो जाएगी, यूथ महफूज हो सकती है अगर खेल कूद की एक्टिविटी और पार्क यहाँ बहाल किए जाएँ तो। यही कह रहे हैं आप? सही बात है। हाँ जी, ऐसे बात है कह रहे हैं। चलो ठीक सर, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं है क्रिकेट के लिए, तो वो ग्राउंड्स भी हमारे यहाँ पे होने चाहिए ताकि जितनी हमारे आज की जो नौजवान नस्ल है वो ग्राउंड्स में आके क्रिकेट खेल सके, और जिससे उनकी फिजिकली जो फिटनेस है वो भी अच्छी होगी। क्या नाम है सर आपका? सर एहसान। तो आप भी दौड़े हैं? जी दौड़े हैं जी। कितना दौड़े हैं आप? 10 किलोमीटर। और कितना किस नंबर पे आए? पोजीशन पे, 7th में जी। अच्छा, तो क्या पैगाम देंगे यौम पाकिस्तान को? कुमिली नगमा आता है आपको? नहीं, नगमा नहीं आता मुझे। अच्छा, यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तान मुसलमान सब भाई होते हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और स्पोर्ट में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। मैं बहुत खुशी हुई है कि मैं 7th नंबर पर आया हूँ। माशाल्लाह ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सारे मुसलमान भाई जो हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और इनके लिए मुलवर बताएँ। ये हमारे साथ जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ रेस्क्यू के जवान भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे भी हम बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत हैं आप? नहीं साहब, तो क्या है आज आपका यौम पाकिस्तान पे भी आप अपनी ड्यूटियों पे उसी तरह से सरगर्म हैं जिस तरह रोज़ होते हैं, क्या मैसेज आपका अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे देखने वालों के लिए? जी, ये जो दिन है ये तजदीद अहद का दिन है। इस दिन हम अहद करते हैं अपना अल्लाह से कि हम अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। ये इस चीज़ का दिन है आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे यूजुअली आप ड्यूटी के अलावा यौम पाकिस्तान कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सब क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं और सबके 23 मार्च के हवाले से पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि हर अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अच्छा जज्बा और अच्छी नीयत से सारे जो भी काम करें मेहनत और लगन के साथ काम करें। इसके अलावा हर बंदा नीयत और खलूस के साथ काम करें। अपने देखने वालों को और जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज है आपका यौम पाकिस्तान के हवाले से? यौम पाकिस्तान के हवाले से यही मैसेज है कि हर बंदा एक जज्बे के साथ और सच्चे लगन से मोहब्बत के साथ पाकिस्तान के साथ मखलूस दिल के साथ मेहनत करे। ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्वाड है और सारे के सारे लोग जो हैं इधर खड़े हैं और इसी तरह अपने हरावल दस्ते के तौर पर ये सारा काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान के हवाले से एक्टिविटीज़ यहाँ जो हैं बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, और साथ आपको बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर इसमें उन्होंने इस दौड़ में हिस्सा भी लिया, मैराथन में हिस्सा लिया, और सबसे बढ़कर
یہ بڑی صحت مند ایکٹیویٹی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کے ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں. یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا کیمپ لگا ہوا ہے اور اس میں ان کے سارے امپلائیز بیٹھے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام شعیب ہے. اور شعیب صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ میراتھن کے حوالے سے اور بالخصوص یوم پاکستان کے حوالے سے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت اچھا مجھے لگا ہے یہ سارا کچھ ریس وغیرہ, اور مجھے میں کہتا ہوں یہ ایسے ایکٹیویٹی وغیرہ ہونی چاہیے, ہماری حکومت کو کرانا چاہیے, ایسا بہت اچھی بات ہے. یہ صحت کے لیے, یہ صحت کے لیے اور صحت مند معاشرے کے لیے, ہاں جی, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا رہا جی ایکسپیرینس آج کا آپ کا, اور یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا یوم پاکستان کے حوالے سے یہی میسج ہے کہ ہم جتنی کوشش کر سکے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے. جیسے کہ اسپورٹس میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے ایک میراتھن کا, اسی طرح دوسرے سیکٹرز میں بھی کچھ اچھے انیشیٹوز لینے چاہیے تاکہ مزید بہتری آ سکے. کمبھ میلے میں آتا ہے آپ لوگوں کو جی؟ آتے. دل دل پاکستان نہیں آتا؟ دل دل پاکستان آتا. گنگنائے سارے جی. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. یوم پاکستان اور ہر طبقہ فکر کے افراد جو ہیں وہ یہاں موجود, اور میراتھن اور اچھے میسیجز اور صحت مند جو معاشرے کی علامات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو ادھر نظر آئیں گی, اور سب سے بڑھ کر ہر عمر کے لوگ جو ہیں انہوں نے آج اس دوڑ میں حصہ بھی لیا یوم پاکستان کے حوالے سے. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سر. کتنا دوڑے آپ جی؟ سر 10K. اور کوئی نمبر نمبر بھی آیا کہ کوئی نہیں؟ نمبر نہیں آیا, بٹ دا مور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ پارٹیسپیشن تھی, جو ہمارا مقصد تھا کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا جائے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ اوورسیز پاکستانیز کی ٹیم ہے. تو آپ کہاں سے؟ اچھا, یو ایس اے سے آئے ہیں؟ یو ایس اے, جی جی, اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے آئے ہیں, اور جب سے سنا ہے ادھر ہی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ایونٹ کو سپورٹ کیا جائے میکسیمم لیول پہ, اور آئی ول انکریج دا لوکل پیپل ٹو برنگ دیئر کڈس اینڈ برنگ دا ادر فیملی ممبرس ٹو سپورٹ دس کائنڈ آف ایونٹس. کو ملی نغمہ بھی آتا ہے؟ سنا دیں گے سر. سنائیے. جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان. السلام علیکم جی. السلام. آپ بھی یو ایس اے سے ہیں؟ نہیں, میں ادھر لاہور سے ہوں, اور رن فار پیس ہیوج کاز, بہت بڑا کاز ہے, یعنی ہم امن کو پروموٹ کر رہے ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور فٹنس کے ذریعے. ہمارے ایک پاکستانی ہیں آغا ساجد حسنین, یو ایس اے میں ہیں, اور شاید یہاں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ فار دا لاسٹ 20 ایئرس 50 کی 50 اسٹیٹس میں انہوں نے میراتھنز لگائی ہیں, اور وہ پہلے پاکستانی اور عالم اسلام کی پہلی شخصیت ہیں کہ جو امن کے کاز کو لے کے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی ان ایفرٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو انکریجمنٹ دینے کے لیے آج خاص طور پہ ہم اس ایونٹ کا حصہ بنے, تاکہ لوگوں کو امن کے حوالے سے پیغام دیا جائے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پاکستان میں پروموٹ کیا جائے, تاکہ لوگوں میں جو فٹنس کے ایشوز اور اوبیسٹی اور سٹریس کے لیولز جو انکریز ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بہتر بنا سکے. یوم پاکستان پہ کیا میسیج دیں گے جو آپ کو سننے والے لوگ ہیں؟ یوم پاکستان پہ میں یہ میسیج دوں گا کہ ایک ہیلدی باڈی, ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی نیشن, یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں متوازن زندگی ہے. آپ صحت مند ہیں, آپ کا دماغ صحت مند ہے, اور اگر آپ کا دماغ صحت مند ہے تو آپ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کچھ گنگنا دیں اگر کوئی ملی نغمہ آتا ہے آپ کو؟ میں نے کبھی نہیں کہا. ٹرائی تو کریں آج, میں نے, ہو سکتا ہے اچھی آواز نکل آئے. ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, جو جو کرے وہ چھوئے آسمان, محنت اپنی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان, پاکستان ہے ہمارا, پاکستان زندہ باد, زندہ باد. تھینک یو سو مچ بیٹا. آپ بھی بھاگے؟ یس. کتنا بھاگے آپ؟ 10 کلومیٹر
और क्या मैसेज है आपका यौम पाकिस्तान पे 23 मार्च पे? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये यहाँ जी सूरत हाल है और आप देख रहे हैं कि किस जश्न से, किस जज्बे से लोग जो हैं यौम पाकिस्तान जो है उसे मना रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि ये एक पुरअमन कौम है और पाकिस्तान की हिफाजत, इसकी सालमियत के लिए हर तरह का तबका जो है वो इस वक्त हरावल दस्ते का रोल प्ले कर रहा है।